नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सिविल न्यूज और मैं हूं आपके साथ चोप सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की खास खबर की। वाल वैज्ञानिकों ने यमुना नदी की दुर्दशा के साथ साथ यातायात नियम को लेकर क्षेत्रीय जनता और विद्यार्थियों को जागरूक किया। जी हाँ दोस्तों, आगरा ग्वालियर रोड स्थित ग्राम पंचायत रोहता के बरपरा में स्थित HSS मेमोरियल पब्लिक स्कूल में बुधवार को विद्यार्थियों द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। विज्ञान प्रदर्शनी में विद्यार्थियों द्वारा यमुना मैया की दुर्दशा और यातायात नियम सहित चंद्रयान 4, जल चक्र, सोलर सिस्टम, ग्रीन हाउस, वाटर फिल्ट्रेशन, पवन चक्की, ज्वालामुखी, माइक्रोस्कोप, सैटेलाइट के साथ साथ आपको बता दें डेवलपमेंट स्मार्ट सिटी यानी कि मेट्रो ट्रेन के साथ साथ हार्वेस्टिंग एवं अनेक प्रकार के मॉडल बनाकर विद्यार्थियों और अभिभावकों के द्वारा देखिए बाल वैज्ञानिकों द्वारा किस प्रकार जागरूक किया गया है। कक्षा 9 के छात्र आर्यन ने बताया है कि यमुना नदी में जिस प्रकार फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा पानी और नाले का गंदा पानी डाला जा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने चिंता व्यक्त की है। इस पानी को पीने से जहाँ जानवर बीमार हो जाते हैं, वहीं हमें गंदे पानी को ऐसी जगह नहीं डालना चाहिए जिससे कि लोग एवं जानवर उपयोग करते हों और बीमार हो जाएं। वहीं स्कूल की छात्रा ममता ने अपनी सहेलियों के साथ यातायात के नियमों से जुड़े सभी प्रकार की जानकारी देते हुए अतिथियों और अभिभावकों को छात्राओं को यातायात के विषय में बताया। अगर हम इनका पालन नहीं करेंगे तो हमें कभी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं, इसलिए हम सबको यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। मुख्य अतिथि संतोष दुबे, प्रबंधक हरिकांत इंटर कॉलेज ने बाल विज्ञान के विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए मॉडलों की सराहना की। उन्होंने बताया कि बाल वैज्ञानिक हमारे देश का भविष्य है, तो वहीं स्कूल के प्रबंधक राजकुमार उपाध्याय ने भी विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए मॉडलों की सराहना करते हुए कहा कि हमारे विद्यार्थी आगे चलकर विज्ञान जगत में अपना नाम रोशन करेंगे। उन्होंने इस प्रकार की आशा व्यक्त की। स्कूल के प्रधानाचार्य जितेंद्र चौधरी ने भी विद्यार्थियों के हौसला को बढ़ाया और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, जिसके चलते विद्यार्थियों ने एक से बढ़कर एक बेहतरीन मॉडल बनाकर सभी को आज आश्चर्यचकित कर दिया। इस मौके पर आपको बता दें स्कूल की सुपरवाइजर माधवी शर्मा के साथ साथ प्रमोद चाहर, सुनील, शैली, रेविका, भावना, आकांक्षा, खुशबू, अंजलि, सपना, अंजलि बघेल, सुमित और विजय सहित सहायक अध्यापक और स्कूल का स्टाफ मौजूद रहा। तो आइए जानते हैं विद्यार्थियों से, आइए जानते हैं स्कूल के अध्यापकों से और आइए जानते हैं मुख्य अतिथि से क्या कुछ कहना है इस कार्यक्रम को लेकर। वहीं बाल वैज्ञानिकों द्वारा जिस प्रकार आपको बता दें यमुना नदी की दुर्दशा और यातायात के नियमों को बताया गया है, आइए हम सब मिलकर इनकी इन सराहना करते हैं और इस वीडियो को अधिक से अधिक वायरल कर जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं ताकि यातायात के नियमों से हम सब रूबरू रहें। Myself ममता फ्रॉम HHS मेमोरियल पब्लिक स्कूल। आज क्या बनाया आप? सर, हमने रोड ट्रैफिक बनाया है और इसके माध्यम से हम ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि अधिक से अधिक रूल को फॉलो करना चाहिए। क्यों मन में विचार कैसे आया इस प्रकार का? क्योंकि सर अधिक से अधिक ये दुर्घटनाएं हो रही हैं, इसलिए हमने इस प्रोजेक्ट के माध्यम से ये दर्शाना चाहते हैं कि रूल्स को फॉलो करें और इससे वो हो सकती हैं। क्या हो सकता है जी? सर इससे ये है कि दुर्घटनाएं कम हो सकती हैं। Myself शिवानी सिंह फ्रॉम HSS मेमोरियल पब्लिक स्कूल एंड हमारे स्कूल में आज साइंस एग्जीबिशन का प्रबंधन किया गया है, तो हमने इसके माध्यम में हमने रोड ट्रैफिक बनाया है, तो हम इसमें बताना चाहते हैं कि अगर हम रूल्स को फॉलो ना करें तो ये हमारे लिए बहुत ही मतलब हानि की बात है, क्योंकि अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा ही घाटा होता है और अगर सामने से कुछ भान आ रहे हैं तो हमें जेब्रा लाइन देख के ही क्रॉस करना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं करें क्रॉस मतलब देख के नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा भी एक्सीडेंट हो सकता है और हमारी जान भी जा सकती है, तो हमें मतलब हर चीज़ को फॉलो करके देखना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, ये मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं एंड मेरे ग्रुप लीडर, इनका बहुत मतलब सहयोग है और एंड मेरे स्टाफ भी हैं, मतलब मेरे टीचर्स वगैरह सबका सहयोग है इसमें। माई नेम इज़ विधि। क्या बनाया है आज आपने? डेवलपमेंट स्मार्ट सिटी।
क्यों मनाया है, क्या विचार आया इस प्रकार का? जैसे कि पहले के समय में लोग सड़कों पे चलते थे, लेकिन अब पुल और मेट्रो ट्रेन की सुविधा हो चुकी है। हम इस ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे आने वाले समय में हमारी डेवलप करे सिटी, ऐसे होने चाहिए डेवलपमेंट सिटी। थैंक यू। साक्या, माय नेम इज़ जानवी साक्या। क्या कुछ कार्यक्रम है आज विद्यालय? सर ये हमने वाटर साइकिल बनाया है। क्यों बनाई है, क्या फायदा है इसका? मतलब कि जो रिवर और ओशियंस वगैरह होते हैं, तब सूर्य की किरण उस पर पड़ती है तो वो हीट होकर ऊपर जाने लगती है, तो इसे एवेपोरेशन बोलते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं उसके माध्यम से आप? मतलब कि तब पहले मतलब कि पानी व्यर्थ ना हो, मतलब कि वेस्ट ना हो, इसके कारण ये प्रोसेस चलता रहता है, इसे जल चक्र कहते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आर्यन है, मैं फ्रॉम 9th क्लास से हूँ। मेरे विद्यालय का नाम HSS मेमोरियल पब्लिक स्कूल है। मैं चारों तरफ इधर आसपास अपने वातावरण को देख के ये प्रोजेक्ट बनाया है साइंस का, एयर एंड वाटर पोल्यूशन का। हमारे यहाँ पर जो जमुना जी है, वहाँ पे से पानी दूषित किया जा रहा है, काफ़ी फैक्ट्रियों से निकाला जा रहा है, इसी वजह से काफ़ी लोग उसे यूज भी करते हैं पीने में, खाने में, और जानवर भी पीते हैं, इसलिए उनके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। इसीलिए मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है अपने स्कूल की तरफ से। और मैं कुछ एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, हमारे विद्यालय के डायरेक्टर सर को मैं सही से धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि हमें उन्होंने ये मौका दिया साइंस प्रदर्शन कराने का। और जितेंद्र सर को भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें पास हमारे हमारे ग्रुप के पास आकर हमें हमारा मार्गदर्शन कराया। और सभी टीचरों को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक्स। हमारा नाम लक्की है। लक्की जी, क्या बनाया है और क्या कार्यक्रम है आज विद्यालय में? हमने ये ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाया है और स्कूल में आज साइंस एग्जीबिशन है। क्या इसका क्या अर्थ है, क्या दर्शाना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो? हम इसमें ये दर्शाना चाहते हैं जो हमारे पेड़ पौधे हैं, सूर्य की निकलने वाली किरणों से, गैसों से उन्हें नुकसान पहुंच रहा है, उनसे गैस से उन्हें बचाने के लिए हमने ये कार्य किया है। इससे देखकर समझे कि अपने पेड़ पौधों की सुरक्षा कैसे करनी है। क्या है आपका? अनुष्का शाक्या। व्हाट इज योर नेम? अनुष्का शाक्या। अनुष्का जी, क्या कार्यक्रम है विद्यालय में? साइंस प्रोजेक्ट। आपके द्वारा क्या बनाया गया? दिस इज अ वाटर फिल्टर। क्या क्या अर्थ है इसका, क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसे कि पानी हमारे लिए बहुत उपयोगी है, पानी के बिना हम कोई भी दैनिक कार्य कर सकते हैं। गांव के लोग कुआं, नदी, तालाबों से पानी जो पीते हैं, उसके ऊपर हमने ये वाटर फिल्टर का कार्य किया है। सुमन। कौन से जगह से आए हो आप? पद्मनगला से। आज यहाँ क्या कार्यक्रम चल रहा है? बच्चों का बाल विज्ञान का। कैसा लगा है आपने? बहुत अच्छा लगा है, बच्चों ने बहुत मेहनत की है। क्या क्या बनाया बच्चों ने? अगर बात की जल के लिए, मतलब शुद्धिकरण और वायु प्रदूषण और बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, पवन चक्की, ये बहुत सारी उन्होंने, मतलब उनके दिमाग को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें बनाई हैं। पता बना रहा हूँ। क्या कुछ बनाया है? नहीं, अच्छा है कार्यक्रम, बहुत बढ़िया है, बच्चों ने अच्छा मतलब किया है और अच्छा भी मतलब सारी सारी बात बनाई है। क्या पसंद आया इनमें से आपको? बच्चों की सारी चीज़ पसंद आएगी, बच्चों की सारी, बच्चों ने मेहनत की है तो उनकी अच्छी है, उन्हें सफल मिलनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मायसेल्फ जितेंद्र कुमार सिंह, प्रिंसिपल HSS मेमोरियल पब्लिक स्कूल। और सबसे पहले मैं जो हमारे हरिकंठ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के जो दुबे जी हैं, उनको मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा, और अपने जो ओनर हैं उनके लिए भी, क्योंकि जो बच्चे हैं हमारे, और हर क्षेत्र के अंदर वो धीरे 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 अपने आप को प्रयासरत कर रहे हैं। तो अब से पहले जैसे हमारी खेल प्रतियोगिताओं में उन्होंने काफ़ी अच्छा नाम किया, उसके बाद में अभी पहली बार जब विज्ञान प्रदर्शनी हमने यहाँ आयोजित की, तो जो हमारे ओनर साहब हैं उन्होंने जब हमें परमिशन दी और बच्चों की जब प्रतिभाएं हमने देखी, तो आज जैसा कि हमारे ओनर सर ने बोला कि हम कंफ्यूज हैं, तो ये बिल्कुल सत्य है कि हम वास्तव में ही कंफ्यूज हैं, क्योंकि हमारे बच्चे इतना कर सकते हैं, ठीक है, और इससे भी बेटर करने की कोशिश आने वाले भविष्य में करेंगे। मेरी यही कामना है कि इसी तरीके से मेरे विद्यालय के जो बच्चे हैं वो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते रहें। ईश्वर से मेरी यही कामना है।
देखिए साहब, इससे पहले हम लोग एक टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज कराते थे, कबड्डी, गर्ल्स कबड्डी टूर्नामेंट। तो हम लोग इसके माध्यम से ये दर्शाना चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो खेल में ही नहीं बल्कि साइंस के क्षेत्र में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी बच्चों से जितना अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अपने स्टाफ की काबिलियत पर भरोसा था कि हमारा जो स्टाफ है वो बच्चों को सही मार्गदर्शन करेगा, और उसी हिसाब से उनका मार्गदर्शन भी किया है। बच्चों ने मॉडल्स तैयार किए हैं। मुझे तो यही कन्फ्यूजन हो रही है कि कौन से मॉडल को मैं बेस्ट बोलूं, क्योंकि सारे ही मॉडल जो हैं एक से एक बढ़कर हैं, और बच्चों ने अपनी प्रतिभा को बहुत अच्छे से दिखा रहा है, और मैं आगे चाहूँगा कि ऐसे ही अपनी प्रतिभा को निखारते रहें। और मेरी ये दिली तमन्ना है कि इनमें से हमारे बच्चे आगे चल करके इसरो या नासा में सेलेक्ट हों एज ए वैज्ञानिक, ये मैं उम्मीद करता हूँ। और आगे भी ऐसे साइंस एग्जीबिशन या और भी प्रोग्राम्स जिनसे बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास संभव हो सकेगा, मैं कराता रहूँगा। मेरा नाम संतोष दुबे है, मैं श्री हरकंठ इंटर कॉलेज करोना देवीगढ़ आगरा का प्रबंधक हूँ। आपने सुना होगा आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जैसे जैसे आदमी की आवश्यकता बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही आविष्कार भी बढ़ते जाते हैं। इन मॉडल्स में काफ़ी मॉडल ने अपनी तरफ आकर्षित किया। सबसे पहला मॉडल था वो लड़कियों का, जो उन्होंने ट्रैफिक रूल्स के बीच बनाया था। राजस्थान की एक मंत्री का वीडियो वायरल होता है, वो कहती थी एक माँ को एक बच्चा बड़ा करने में 25 साल लग जाते हैं और 25 सेकंड में वो ख़त्म हो जाता है। काय के लिए? ट्रैफिक रूल तोड़ने के लिए। तो इन बच्चों में, और इन्होंने जल संचय की जो भविष्य में हमें ज़रूरत पड़ेगी, पानी की विशेष कमी है, जल संचय का मॉडल बनाया है। एयर प्रदूषण है, वाटर प्रदूषण है, और ये जल शुद्धिकरण है, ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी का ये ज्वालामुखी है, और इस पे से ये बहुत सब मतलब सभी मॉडल ने आकर्षित किया है। बहुत प्रतिभाशाली बच्चे हैं, हम यही चाहेंगे भविष्य में ये बच्चे बहुत आगे बढ़े। और इसी के साथ बने रहिए आप हमारे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज़ पर।